मेरे बोर्ड एग्जाम के टाइम पे इकोनॉमिक्स के पेपर के एक दिन पहले तक मैं पढ़ाई करा, मैं पढ़ाई करते रहा, रात भर मैं सोया ही नहीं। मेरा मानना था इकोनॉमिक्स में मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूं, तो मुझे 100 में 100 लाना है, तो मैं जितना ज्यादा पढ़ूंगा एक दिन पहले उतना ज्यादा मैं अच्छा स्कोर कर पाऊंगा। मुझे कुछ भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, कहीं से भी गलती नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं पढ़ रहा था, रिविजन किया जा रहा था, मैं सोया नहीं। अगले दिन इकोनॉमिक्स का पेपर दे के आने के बाद मैं घर पर सोया, ठीक है। और इकोनॉमिक्स में मुझे कितने आए, 100 में केवल 82 मार्क्स। और वहीं अकाउंट्स मेरा ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ करता था, तो अकाउंट्स के एग्जाम के एक दिन पहले मैंने ज्यादा रिवीजन नहीं करा। थोड़े बहुत जितना आता था मैंने ऊपर से पलट के देख लिया, और मैंने मेरे अंदर था कि जितना मैंने साल भर पढ़ा है उतना मैं लिख के आ जाऊंगा, बस हो जाएगा मेरा। मैं कॉन्फिडेंट था अपने ऊपर कि चलो कोई बात नहीं, रिलैक्स होकर जाते हैं एग्जाम देते हैं, ठीक है। रिजल्ट आई तो अकाउंट्स में आप मानोगे नहीं, मुझे आए थे 92 और इकोनॉमिक्स में 82। ऐसा क्यों? क्योंकि अकाउंट्स वाले पेपर के दिन मैं रिलैक्स था, कॉन्फिडेंट था, स्ट्रेस फ्री था, और इकोनॉमिक्स में मैंने ओवर स्ट्रेस ले लिया था एग्जाम हॉल में। इसीलिए आपको टेंशन फ्री होकर के एग्जाम देना चाहिए, तभी आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे।